सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी व्लॉग टैक्टिक्स को, और दबाइए इस घंटी को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 7, तो मैं आया हूँ अपने गांव में। तो आज मैं गांव का दिखाता हूँ आपको ब्लॉग, कैसे जो यहाँ से सब्जियाँ तैयार होकर शहरों में जाती हैं, कैसे मेहनत करते हैं किसान लोग गांवों में। तो आज मैं वो दिखाने वाला हूँ। जो मेन अभी जो फसल चल रही है सब्जी की, वो चल रही है भिंडी की। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ भिंडी कैसे तैयार होती है और कैसे ये मार्केट तक पहुँचती है, तो किस तरीके से इसमें मेहनत लगती है, किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जंगल में जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो गांव के लोग कैसे उनको तैयार करते हैं, कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करने के बाद उनको कैसा फल मिलता है। तो इस वीडियो में सारा यही है। बाद बाकी जो पार्ट टू आएगा गाँव का, तो उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलो मैं दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप जंगल की कुछ मेन मेन चीज़ें। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... तो ये है किसान के, हमारे भाई किसान। तो ये क्या लगाया आपने? भिंडी। भिंडी लगा रखी इन्होंने, ये अभी सुबह बोई थी? हाँ अभी, मानो ये मतलब पानी लग रहा था अभी लगी है। तो इन्होंने सुबह ये मॉर्निंग में लगाई है, उसके बाद इनको पानी दे रहे हैं। तो उसके बाद ये कितने दिन में तैयार हो जाएगी? ये होगी 50 दिन में। 50 दिन में फल देने लगेगी? 50 दिन में देने लग जाएगी फल। तो कितना प्रॉफिट होता है इसमें? इसमें प्रॉफिट बतेरा हो जा। प्रॉफिट बहुत हो जाता है। अच्छा, मेहनत कितनी लगती है? मेहनत दो नलाई है, यूरिया है, डाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी पानी चल रहा है, उसके बाद फिर नलाई होगी। जब नलाई, कितने दिन में बाहर निकल जाएंगी भिंडी? ये भिंडी 8 दिन में। 8 दिन में भिंडी यहाँ पर बाहर निकल जाएंगी, और तैयार होने में इनको 50 दिन लगते हैं। 50 दिन होने के बाद, 50 दिन होने के बाद तो इसको मार्केट में सेल करने लग जाते हो। तो देख सकते हैं काफी कड़ी मेहनत लगती है, किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करने के बाद उनको जो सफलता मिलती है। भिंडी को और भी खेत है, भिंडी चल भी रही है। तो वो उधर के खेत है, वहाँ पे भिंडी चल भी रही है। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे भिंडी किस तरीके से लगी हुई है, उसको कैसे तोड़ते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये पूरा भिंडी का खेत है, कितना बड़े बड़े खेत है यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये भिंडी कैसे इसमें लगती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ये भिंडी लगी हुई है, ये देखे, ये भिंडी यहाँ पर लगी हुई है और ये लगी हुई है, ये देखते हैं। इसको तोड़ के ऐसे भी खा सकते हैं, गांव के लोग तो कैसे भी खा लेते हैं, इसको कच्चा भी खा लेते हैं, कच्चा खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इसका देख सकते हैं जो फूल है, पहले फूल आने लगता है 40 से 50 दिन के अंदर, उसके बाद इसका फल तैयार होता है। इस तरीके से इसको तोड़ा जाता है। जैसे मैं इसको तोड़ रहा हूँ, ऐसे तोड़ कर इसको, जो खराब भिंडी होती है, जो सड़ी गली होती है, उनको तो यहीं पे निकाल के फेंक देते हैं। बाद बाकी जो साफ साफ भिंडी होती है, तो उसको ये सेल करने जाते हैं मार्केट में। मार्केट में सेल करने के बाद ये जो शहरों में पहुंचती है, जब इसको बनाते हैं तो इसको लगभग 2 दिन लग जाते हैं पहुंचने में लोग बागों के पास। तो और भी बहुत चीज़ें दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये देख सकते हैं, ये ज्वार, जो कि गांव में भैंस वगैरह जो जानवर वगैरह पालते हैं, तो उनके लिए खाना है एक तरीके का। तो ये अभी बड़ी हो जाएगी, उसके बाद इसको कुट्टी बनाकर मशीन पर काटते, उसके बाद इसको
वो खा सकते हैं जानवर। और ये है गन्ना, अभी देखो ये गन्ना तैयार हो रहा है, अभी काफी छोटी है, और वह जो दूसरी वाले वो काफी बड़ी हो चुकी है, अब उसमें गन्ना बनना स्टार्ट हो गया है। अभी देखो ये जो हल से इसकी जुताई की, जुताई करने के बाद इसमें यूरिया डाई खाद वगैरह लगेगा, तो ये जल्दी जो इसकी मात्रा जो पैदावार है इसकी बढ़ जाएगी, तो इसको भी तैयार होने में काफी समय लग जाएगा। तो ये आप अभी देख सकते छोटी छोटी है, अभी इसकी जो निराई करी, निराई करने के बाद इसमें यूरिया खाद डालेंगे, उसके बाद जो है इसको तैयार करेंगे। तो ये हमारा खेत, हमने भी भिंडी लगाई हुई है अपने खेत में, ये देख सकते हैं हमने तो इसकी निराई करवा दी। तो हमने कुछ और भी बोया हुआ है यहाँ पे, तो ये है अरहर की दाल, ये अरहर के पेड़ है, अभी छोटे छोटे हैं देख सकते हैं आप, ये जो ये अरहर के पेड़ है छोटे छोटे हैं, अभी इनकी हम निराई कर रहे हैं। निराई करने के बाद इनमें पानी लगाएंगे, पानी लगाने के बाद इसको खाद वगैरह देंगे, उसके बाद ये इसकी पैदावार है जो काफी मात्रा बढ़ जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ खेत की जुताई, देख सकते हैं कि अंकल हमारे खेत की जुताई कर रहे हैं, अभी इसको तैयार कर रहे हैं, इसमें भी ये भिंडी लगाएंगे। अब इसको कंप्यूटर है जो इसकी जुताई हो रही है, जो एक सार उबड़ खाबड़ होता है, जो खेत उबड़ खाबड़ होता है उसको ये बिल्कुल एक सार कर रहे हैं, अभी कंप्यूटर मांजा लगा रहा है, देख सकते पूरा जो खेत है वो एक सार हो जाएगा। उसके बाद और उधर से देख सकते हैं आप ये जो पेड़ लगे हुए हैं सफेदा के, जिसको नीलगिरी भी कहा जाता है, तो इन्होंने ये खेत की मेड़ पे लगाए हुए हैं, इससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट किसान लोग कमा लेते हैं। ये जो पेड़ है ये 15-20 रुपए का इनको एक पेड़ पड़ता है, और ये 4-5 साल में तैयार हो जाता है। 4-5 साल में तैयार होने के बाद जो एक पेड़ की कीमत होती है वो होती है 2 से 2500 के बीच में। तो देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ों की मात्रा भी काफी है, इधर भी लगे हुए हैं और उधर भी लगे हुए हैं, वहाँ देख सकते हैं आप उधर भी लगे हुए हैं। तो और भी मैं बहुत चीजें दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, और यहाँ पर किसान लेडी मेहनत करती है, ये देख सकते हैं ये मेहनत कर रही है यहाँ पर लेडीज। खाना वाना खा गई हो? खा गई हो? अच्छा, और क्या बना रहे हो? भिंडी घास सफा करेंगे। भिंडी की घास सफा हो रही है? भिंडी में तो घास है भी ना, घास चुपचाप वहाँ फेंकनी है डोले पे। डोले पे ये कहा? ये सफेद फूल की, सफेद फूल की। और हमारे साथ ये बच्चे आई है घर से, जो मेरी हेल्प करी है कैमरा पकड़ने में। इधर देख सकते हैं किसान लोग यहाँ पर जो भिंडी की जो निराई करते हैं उसकी सफाई कर रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं। और ये है अमरूद का पेड़, अभी देख सकते हैं इसका अमरूद भी काफी मात्रा में लग रहे हैं, अभी छोटे छोटे हैं, अभी पके नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा पास जाकर। तो देख सकते हैं अभी अमरूद इस पर लग रहे हैं, ये देखें, ये देखें अभी कितने इसने बहुत सारे अमरूद लग रहे हैं, अभी ये पकने में थोड़ा टाइम लगेगा इनको, ये देखिए ये यहाँ पर अभी छोटे छोटे हैं अभी अमरूद काफी लग रहे हैं, यहाँ पे बहुत पेड़ है अमरूद के, इधर भी बहुत है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये है नींबू का पेड़, नींबू भी देखो काफी इस पे लग रहे हैं, अभी थोड़ा हरे हैं, तो यहाँ पर नींबू भी कई पेड़ है नींबू के भी, इसी हमारे जो हमारा खेत है उसके जो मेड़ जा रही है उसी पर ये पेड़ काफी लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो नींबू है वो भी काफी मोटे मोटे लगे हुए हैं, ये सकते देख सकते हैं नींबू बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं इस पर, अभी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको। तो यहाँ पर ये है एलोवेरा, ये है एलोवेरा का पेड़ जो कि इन्होंने यहाँ पे अपने 12 पे लगाया है, और ये है हरी मिर्च का पेड़, और मैं बात करूँ तो ये है जो ये वाला पेड़ है ये है पपीता का, और ये वाला पेड़ है ये वाला जो है ये वाला ये है आम का, और ये पपीता का बड़ा पेड़। अभी देखो इसको पपीता लगे नहीं, और हालांकि लगते हैं इस पर भी सीजन नहीं लगने का। और एक ये है तुलसी का पेड़ यहाँ पे, और भी इन्होंने बहुत पेड़ लगा हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं एक नींबू का पेड़ एक बड़ा, और ये एक अमरूद का पेड़ है, उधर भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, जामुन का पेड़ है तुम्हारा, आम के पेड़ है उधर, और भी